जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 26, 27, 28, 29 पर चर्चा करेंगे। स्रोत्रादीन इंद्रियान्ने सयमागनीषु जुहोति को शब्दादीन विषयान्ना इंद्रियागनीषु जुहोति। कुछ लोग श्रवण और अन्य इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में समर्पित करते हैं, अर्थात कुछ लोग अपनी कान आँख त्वचा आदि इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं। अपनी इंद्रियों को अनुशासन में रखते इसे इंद्रिय संयम कहा जाता है, जबकि अन्य लोग शब्द और अन्य इंद्रिय विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में होम करते हैं, अर्थात ध्वनि रूप गंध आदि इंद्रिय विषयों को त्यागते हुए अपनी इंद्रियों के माध्यम से इन विषयों को अनुभव कर उन पर कोई इच्छा नहीं करते। इन विषयों से स्वयं को परे रखकर इन विषयों को कोई महत्व नहीं देते। इस श्लोक का मुख्य संदेश या सीख यह है कि आत्म संयम और इंद्रिय नियंत्रण भी यज्ञ के ही रूप है। कोई व्यक्ति या तो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है या इंद्रिय विषयों से मुक्त रह सकता है। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नु जुवति ज्ञान दीप्यते। अन्य लोग सभी इंद्रियों के कार्यों और प्राण के कार्यों को आत्म संयम रूपी योग की अग्नि में अर्पित करते हैं जो ज्ञान में प्रज्वलित होता है, अर्थात कुछ लोग अपनी सभी इंद्रियों जैसे देखने सुनने स्पर्श करने और प्राण या जीवन शक्ति के सभी कार्यों को नियंत्रित करते हैं ताकि वे आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ सके। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योग नव जुवती ज्ञान दीप्ते। अन्य लोग सभी इंद्रियों के कार्यों और के आत्म संयम रूपी योग की अग्नि में अर्पित करते हैं जो ज्ञान से प्रज्वलित होती है, अर्थात अन्य लोग अपनी इंद्रियों और प्राणों के सभी कार्यों को नियंत्रित करते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर और इंद्रिय के परे जाकर आत्मा का अनुभव करता है। जब यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की बजाय आत्म संयम और आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ने लगता है, जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को आत्मज्ञान और ईश्वर की ओर केंद्रित करता है। द्रव्यगा योगा यगास्ते प्रे सवाध्याय ज्ञान यगानश्च यत संसित्रवता। कुछ लोग अपने धन का यज्ञ करते हैं, कुछ कठोर तपस्या का यज्ञ करते हैं, कुछ योग का अभ्यास करते हैं और कुछ शास्त्रों का अध्ययन और ज्ञान प्राप्ति का यज्ञ करते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले दृढ़ संकल्प और नियमों का पालन करने वाले होते हैं। धर्म का यज्ञ या बलिदान का अर्थ है कुछ लोग अपनी संपत्ति का दान करते हैं, दूसरों की सहायता करते और परोपकार में लगे रहते हैं। तपस्या का बलिदान का अर्थ है कुछ लोग शारीरिक और मानसिक तपस्या करते हैं, जैसे कि उपवास, ध्यान, कठिन साधनाएँ आदि योग का यज्ञ। योग का अभ्यास का अर्थ है व्यक्ति को आत्म चेतना से जोड़ता है जो उसकी आत्मा का विकास करता है। यह श्लोक यह सिखाता है कि आत्म साक्षात्कार की दिशा में यज्ञ या बलिदान कई प्रकार से किया जा सकता है। कोई व्यक्ति अपने धन का दान कर सकता है, कठोर तपस्या कर सकता है, योग साधना कर सकता है, ज्ञान प्राप्ति के लिए सब अध्याय कर सकता है। इन सभी यज्ञों में से एक बात समान होती है कि वे दृढ़ संकल्प, अनुशासन और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाने वाले होते हैं। अपाने जुवति प्राणम प्राणे वनम तथा परे प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम पुराणा है अपरे नियताहारा है प्राण प्राणेशु जुवति। जो कुछ लोग अपने जीवन शक्ति यानी प्राण को अपान में अर्पित करते हैं जबकि अन्य अपान को प्राण में अर्पित करते हैं, कुछ प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और कुछ नियत आहार का पालन करते हुए अपने प्राणों को अन्य प्राणों में अर्पित करते हैं। प्राण का अपान में बलिदान इसका अर्थ वे अपने सांस के नियंत्रण के माध्यम से अपनी ऊर्जा को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह ध्यान और प्राणायाम का महत्व हिस्सा है। अपान का प्राण में बलिदान वे अपने बाहर जाने वाली सांस को वापस अपने जीवन शक्ति में सम्मिलित करते हैं। यह ऊर्जा के प्रवाह को समझने और उसे संतुलित करने का तरीका है। प्राणायाम का अभ्यास प्राणायाम एक यौगिक प्रक्रिया है जो
मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। नियत आहार और आत्मनियंत्रण, इसका अर्थ है वे अपने खाने पीने की आदतों को नियंत्रित करते हैं। अन्य प्राणों में बलिदान का अर्थ है यह आत्म सेवा और सभी जीवों के बीच आपसी संबंध को दर्शाता है। अर्थात आध्यात्मिकता केवल आत्म कल्याण के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी होती है। गीता ज्ञान की खोज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।